नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और स्वागत है आपका मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। दोस्तों, भारत जो कि कायम रखे हुए है अपनी हजारों साल पुरानी संस्कृति एवं विरासत को, मिस्र, यूनान और ईरान अपनी संस्कृति और विरासत को खो चुके हैं, परंतु क्या कारण रहा कि भारत इसे आज भी कायम रखे हुए है? तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत माता ने समय समय पर ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया है जिसने उसके आंचल पे बुरी नजर से उठने वाले हर एक हाथ को काट के फेंका है। ऐसे ही भारत माता का एक सच्चा सपूत है सरखेल कान्होजी आंगरे, जिन्हें समुद्र का शिवाजी तथा मास्टर ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता था। दोस्तों, इनका जन्म 1669 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी के आगरवाड़ी गांव के सुवर्ण दुर्ग में माता अम्माबाई तथा पिता तुकोजी के घर में हुआ था। दोस्तों, यह समय था हिंदवी साम्राज्य के चमकते हुए सूरज छत्रपति शिवाजी महाराज का। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी दूरदर्शिता से पहले ही समुद्र के महत्व को पहचान लिया था तथा शिवाजी महाराज ने समुद्र में किलों का निर्माण किया तथा जो दुर्ग पुराने हो चुके थे उनके पुनर्निर्माण का कार्य शुरू करवाया। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय ही भारत के पश्चिमी तट पर पुर्तगाली तथा अन्य यूरोपीय व्यापारी आने लगे थे और इस क्षेत्र पे अपना प्रभाव जमाने लगे थे। उस समय के भारत में समुद्र पर राज करने की संकल्पना ही नहीं थी, तो समुद्र की सेना या नौसेना होने की बात तो बहुत दूर थी, परंतु छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसके महत्व को समझा और अपनी नौसेना का गठन किया तथा इसे बढ़ावा दिया। इन्हीं नौसैनिक अभियानों में कान्होजी अपने पिता तुकोजी के साथ जाया करते थे, जिसने उनकी समुद्र की समझ को अविश्वसनीय रूप से बढ़ावा दिया। डर क्या होता है ये तो कान्होजी को पता ही नहीं था, लोगों के जोड़ने की अद्भुत कला उनके पास थी। उनके इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर सन 1698 में सतारा के छत्रपति राजा राम महाराज ने उन्हें अपनी मराठा नौसेना का एडमिरल यानी सरखेल नियुक्त किया। दोस्तों, कान्होजी के बारे में एक बात प्रसिद्ध थी कि पश्चिमी तट को या तो समुद्र के देवता जानते हैं और उनके बाद कोई जानता है तो वो है कान्होजी आंगरे। दोस्तों, जिस समय कान्होजी आंगरे मराठा नौसेना के एडमिरल नियुक्त हुए उस समय भारत का पश्चिमी तट यानी कि कोंकण क्षेत्र पूरी दुनिया का हॉटस्पॉट बना हुआ था। यूरोप की शक्तियां चाहे वह डच हो, पुर्तगाली हो, ब्रिटिश हो, अफ्रीका के सिद्दी हो जिन्हें मुगल साम्राज्य की तरफ से आश्रय प्राप्त था, वह इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए संघर्षरत थे, क्योंकि इस क्षेत्र से ही दुनिया के 30% व्यापार होता था। और दोस्तों, ऐसे समय में जब इस खेल में मराठा को एंट्री हुई तब उनके लिए राह बड़ी मुश्किल रही, परंतु दोस्तों मराठे सच के साथ थे और सच्ची बात तो यह थी कि यह क्षेत्र मराठों का था, इस क्षेत्र में रहने वाले कोलियों का था, तो इस क्षेत्र के जो भी रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है उस पर मराठों का अधिकार तो बनता ही था दोस्तों। और इसीलिए यह सच की शक्ति और छत्रपति शिवाजी महाराज के संकल्प के साथ जब कान्होजी आंगरे इस युद्ध क्षेत्र में उतरे तो उन्हें लगातार सफलताएं प्राप्त होती गई। दोस्तों, जो भी ब्रिटिश जहाज टैक्स देने से मना कर देते थे, कान्होजी उन पर आक्रमण कर उनकी संपत्तियां जब्त कर लिया करते थे और टैक्स देने पे उन्हें वापस छोड़ भी दिया जाता था। और दोस्तों, उन्होंने स्ट्रेटेजिक रूप से इम्पोर्टेंट मुंबई का जहाँ पे आज कोलाबा या फिर खंडेरी है वहां पर किलों का निर्माण कराया। ये रक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण थे ही, साथ ही साथ यह व्यापार की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण केंद्र थे। और दोस्तों, अफ्रीकी मूल के सिद्दियों को तो मराठों ने जमीन पे ही मार काट के उनका काम तमाम किया और साथ साथ समुद्र में भी उनके खिलाफ संघर्ष कर उनको सिर्फ जंजीरा के एक किले तक ही सीमित कर दिया था। और रही बात पुर्तगाली और डच की, तो उनके साथ भी वही अंजाम हुआ जो कि ब्रिटिशर्स के साथ हो रहा था। तो दोस्तों, कुछ इसी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की युद्ध नीति को ध्यान में रखते हुए कान्होजी ने पूरे समुद्र क्षेत्र पर मराठाओं के एकाधिकार को स्थापित कर दिया था और पश्चिमी घाट पर जिसे भी व्यापार करना हो उसे मराठों को टैक्स चुकाना ही पड़ता था। इस चीजों से परेशान होकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर चार्ल्स बून जब आया तब उसने शपथ ली कि मैं मराठों का पश्चिमी घाट से एकाधिकार खत्म कर दूंगा और उन्हें यहां से उखाड़ के फेंकूंगा। और जब यह बात कान्होजी को पता चली तब उन्होंने चार्ल्स को एक पत्र लिखा
जिसमें उन्होंने कहा कि देखो, यह जमीन भी हमारी है, यह तट भी हमारा है और इससे लगा हुआ समुद्र भी हमारा है। अगर ये बात तुम्हें शांति से समझ में आती हो तो ठीक है, वरना हम उस भाषा में भी तुम्हें समझा सकते हैं जिसमें तुम समझते हो। दोस्तों, आप कान्हो जी की ताकत का इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इनको हराने के लिए अंग्रेज और पुर्तगालियों को एक होना पड़ा। दोस्तों, अंग्रेज और पुर्तगाली की आपस में बहुत बड़ी दुश्मनी थी, ये आपस में ही लड़ा करते थे, परंतु मराठाओं को हराने के लिए इन्हें एक होना पड़ा। और जब यह 6000 का नौसैनिक दस्ता लेके, जिसमें बड़े बड़े युद्ध के जंगी जहाज और उन्नत क्वालिटी का गोला बारूद शामिल था, इसको लेके जब वह मराठा सेना पर हमला करते हैं, तब भी कान्होजी उन्हें हरा देते हैं। इस युद्ध में उन्हें मेंढाजी भाटकर का सहयोग काफी अच्छे से प्राप्त हुआ, उनका योगदान इस युद्ध में भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, कान्होजी ने विदेशी जहाजों पर नजर रखने के लिए समुद्री तट रेखा में लगभग हर 15 मील की दूरी पर एक किला या फिर एक वॉच टावर बनाया था, जिससे वह आने जाने वाले हर एक विदेशी जहाज पे नजर रखे। कभी एक किले से कोई जहाज छूट गया तो दूसरे किले पे तो वो पकड़ में आ ही जाता था। दोस्तों, नीले खुले समुद्र में चाहे ही पुर्तगाली तथा ब्रिटिश या डच इनका राज चलता हो, परंतु जब उथले समुद्र में या तट के पास जब वो आते थे, तब मराठों का ही यहाँ पे एकाधिकार चलता था। दोस्तों, जिस समय कान्होजी अपनी शक्ति के चरम पर थे, उस समय मराठों के पास 18 अलग अलग तरह की नौकाएं हुआ करती थी और इसमें कुछ विदेशी जहाज भी शामिल कर लिए थे, जिन्हें उन्होंने या तो लूट लिया था या फिर विदेशियों से खरीदा था। अब दोस्तों, ऐसे सैकड़ों जहाज मराठा नौसेना में शामिल थे और इन सैकड़ों जहाजों के ऊपर सवार होते थे हजारों मराठा नौसैनिक। तो ऐसी नौसेना के एडमिरल थे हमारे कान्होजी आंग्रे। दोस्तों, और उनकी इस ताकत को जमीन पे सतारा के छत्रपति और पेशवा भी अच्छी तरह से समझ गए थे और कान्होजी ने चाहे वह समुद्र का क्षेत्र में विदेशियों से लड़ना हो या फिर धरती पे होने वाले आंतरिक विद्रोह को भी काफी अच्छे से दबाया और अपना लोहा सभी को मनवाया। दोस्तों, कान्होजी ने ही अलीबाग को बसाया तथा अपने नाम के चांदी के सिक्के भी चलवाए। और दोस्तों, 4 जुलाई 1729 को समुद्र के इस शेर का निधन हो जाता है और कान्होजी अपने पीछे छोड़ के जाते हैं अपनी महान नेवल लेगेसी को। परंतु दोस्तों, इनके बाद जो इनके उत्तराधिकारी हुए उनमें भी नेतृत्व की क्षमता थी, परंतु कान्होजी के जैसी नहीं थी। इसलिए धीरे धीरे मराठा नौसेना कमजोर होती गई और शिवाजी महाराज की जैसी दूरदर्शिता भी आने वाले मराठा शासकों में नहीं थी। वह उनका ज्यादातर ध्यान जमीन की लड़ाइयों में ही रहा, समुद्र पर उतना ध्यान उन्हें दिया ही नहीं। दोस्तों, पानीपत के तीसरे युद्ध में भले ही मराठा हार गए हो, परंतु उन्होंने अफगानों तथा अन्य आक्रमणकारियों को ऐसा संदेश दिया था कि उसके बाद से कभी उस रास्ते भारत में कभी आक्रमण हुआ ही नहीं। जो भी आक्रमण हुए, नए आक्रमणकारी आए, वो सब समुद्र के रास्तों से ही आए। तो दोस्तों, यह एक दुर्भाग्य ही रहा भारत का कि धीरे धीरे पूरे भारत पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमा लिया। दोस्तों, कान्होजी को आधुनिक भारत ने भुलाया नहीं। भारत की नौसेना की वेस्टर्न कमांड का जो केंद्र है, उसका नाम कान्होजी के ऊपर ही INS आंग्रे रखा गया है तथा वहां पर उनका एक स्टैचू भी है मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पर। दोस्तों, आज भी अलीबाग में कान्होजी की समाधि हमें उस गौरवशाली इतिहास की याद दिलाती है जब पश्चिमी घाट के समुद्रों पे मराठा साम्राज्य का डंका बजा करता था। तो दोस्तों, ऐसे महान वीर समुद्र के योद्धा कान्होजी आंग्रे को हमारी तरफ से नमन है। दोस्तों, कान्होजी के बारे में सुनकर अगर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया हो तो जरूर हमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।